दोस्तों, आप सब जानना चाहते हैं कि सबसे हेल्दी ड्राई फ्रूट कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, सबसे हेल्दी जो ड्राई फ्रूट है वो है पिस्ता। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल वाय देसी इलाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया दोस्तों। पिस्ते को हम दुनिया का हेल्दी जो है वो ड्राई फ्रूट कह सकते हैं। इवन के बादामों और अखरोटों से कहीं ज़्यादा हेल्दी है पिस्ता। पिस्ते में से तमाम ड्राई फ्रूट से सबसे कम ऑक्सीलेट पाया जाता है, जबकि बादामों में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीलेट मौजूद होती हैं। ऑक्सीलेट उन लोगों के लिए सख्त नुकसानदेह है जिस लोगों को किसी किस्म का किडनी इशू है या खासकर किडनी में स्टोन है। पिस्ते के अंदर भरपूर मकदार में जिंक मौजूद होता है। जिंक आपकी बॉडी के लिए कोई ज़रूरी तरीन मिनरल्स में से एक है। आपकी नाखून, स्किन और बालों को हेल्दी रहने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है और बॉडी में इस मिनरल की कमी होने पर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और आपकी बॉडी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। पिस्ता पोटाशियम और फास्फोरस से भी भरपूर होता है। फास्फोरस आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। इसके अलावा आपकी हड्डियों और दांतों को भी महफूज रहने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो जाए, फिर चाहे आपकी बॉडी के पास जितना मर्जी चाहे कैल्शियम मौजूद हो, लेकिन आपकी हड्डियों और दांत कभी भी मजबूत नहीं रह सकते। इसके अलावा अगर बॉडी में काफ़ी मकदार में फास्फोरस मौजूद होने पर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों सुनिए, सुस्ती और थकावट आपके पास नहीं आती। पिस्ता फोलेट से भी भरपूर है। फोलेट के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बच्चों में फोलेट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेइंतहा ज़रूरी है और बच्चों में फोलेट की कमी होने पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सही तरह से नहीं हो पाती। फोलेट आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेकडाउन होने से बचाता है। बॉडी में फोलेट की कमी होने पर आपका डीएनए डैमेज होने लगता है और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। पिस्ते के अंदर दोस्तों भरपूर मकदार में विटामिन B1 मौजूद होता है। ये आपको रिलैक्स करता है और अच्छी नींद के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसी तरह ये विटामिन B6 से भी भरपूर है। विटामिन B6 आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आपके जिस्म में स्विलिंग नहीं होने देता, खून की शरीरों की हिफाजत करता है और शरीरों में आने वाले ब्लॉकेज को दूर करके हार्ट अटैक आने के खतरात को कम करता है। पिस्ता विटामिन K1 से भी भरपूर है। विटामिन K1 आपके ब्लड को पतला करता है और खून को जमने नहीं देता। पिस्ते में विटामिन ई भी मौजूद है जो कि आपके स्किन के लिए बेइंतहा ज़रूरी विटामिन है। इसके अलावा ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी है। पिस्ते के अंदर बहुत सारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं और यही वजह है कि पिस्ते में ज़बरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं और इसके इस्तेमाल करने से आप लंबे अरसे तक जवान रहते हैं और दोस्तों आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। पिस्ते के अंदर भरपूर मकदार में मैग्नीशियम भी मौजूद है जो कि आपके हार्ट बीट को भी नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा बॉडी में जब काफ़ी मकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है तो आपको नींद अच्छी आती है और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी अप रहता है। पिस्तों के अंदर भरपूर मकदार में हेल्दी फैट्स मौजूद होती हैं जो कि ना सिर्फ आपके ब्रेन बल्कि आपकी बॉडी की ड्राइनेस को भी काफ़ी खात्मा करते हैं। पिस्तों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाई जाती हैं जो कि ना सिर्फ आपके दिल बल्कि आपके दिमाग को भी रिक्वायर होती हैं हेल्दी रहने के लिए। पिस्तों के अंदर दूसरे बहुत ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, इसलिए पिस्ते वजन कम करने के लिए भी मददगार रहते हैं और
और आपके वज़न को नहीं बढ़ाते। इनश्योर पिस्ते बहुत ज़्यादा हेल्दी पिस्ते बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इनके इस्तेमाल से आप कई हेल्थ इश्यूज़ और कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सकते हैं। इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा इसका बाकायदा इस्तेमाल आपको शुगर, दिल के अमराज, मोटापे और कई दूसरी हेल्थ इश्यूज से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल वह देसी इलाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।